हेलो गाइस, फिर से स्वागत है हमारे इस नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे ड्राइवर की कहानी बताएंगे जिससे चौंककर आप हैरान हो जाओगे। एक नई मिसाल कायम की है, उनका नाम है मोहम्मद हनीफ। जी हाँ, उनका नाम मोहम्मद हनीफ है और वो बेंगलुरु में एक हॉस्पिटल के एम्बुलेंस के ड्राइवर है। आजकल वो करोड़ों लोगों की धड़कन बन चुके हैं। वजह है एक 40 दिन की बच्ची की जान बचाई। आखिर क्या है पूरा मामला, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। उससे पहले, चैनल पे पहली बार आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पता होगा कि इस समय टिकटॉक और यूट्यूब पर एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है और वो वीडियो वायरल है उसी ड्राइवर का जिन्होंने एम्बुलेंस से एक बच्ची की जान बचाई है। तो आखिर जानते हैं वो ड्राइवर कौन है। आजकल के ज़माने में किसी भी बात को जनता तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है, जहां पर हर इंसान आसानी से अपनी बात को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। वही एक बार पोस्ट करने के बाद लोग उन्हें लगातार आगे वायरल करते रहते हैं, जिससे वो बात आग की तरह फैल जाती है। रोज़ देखते हैं कि लोग एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देते हैं, ट्रैफिक में फंसकर मरीज की जान चली जाती है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा मामला बताने जा रहे हैं जिसके बारे में जानकर आपको पुलिस और अपनी जनता पर गर्व होगा। बता दें कि सोशल मीडिया पर एक एम्बुलेंस इस समय काफ़ी वायरल हो रही है, जिसकी मदद रास्ते हर इंसान पुलिस कर रही है, क्योंकि उस एम्बुलेंस ड्राइवर एक 40 दिन की बच्ची की जान बचाई है। सूत्रों के अनुसार, मिली जानकारी के अनुसार ये बताया जा रहा है कि मंगलोर में एक बच्चे को दिल की ज़रूरत थी। जब डॉक्टरों ने सारे हॉस्पिटल में पता किया तो सामने आया कि बेंगलोर के एक हॉस्पिटल में एक महिला का दिल परिवार वाले दान कर रहे थे, जिसके बारे में बड़ी परेशानी ये थी कि दिल को 500 किलोमीटर कैसे किया जाए। तभी एक एम्बुलेंस ड्राइवर ने कहा कि वो 7 घंटे के सफ़र को 4 घंटे में समाप्त कर सकता है, लेकिन ट्रैफिक 0 चाहिए। इसके बाद पुलिस ने सबको सचेत कर दिया और एम्बुलेंस को पूरी तरह से BC रोड, कल्लानड़ा, उपिंदगढ़ी, नेलादी, सकलनपुर, हसन, नेलमंगला और बेंगलोर से गुजरी। वही एम्बुलेंस ड्राइवर का नाम मोहम्मद हनीफ बताया जा रहा है। उसने अपनी जान की परवाह करते हुए 40 दिन की बच्ची को बचाई और रास्ते में काफ़ी कठिनाई भी उनको आई, लेकिन अपनी जनता और पुलिस ने पहले से ही रास्ता साफ करके लगा था। तो हम आपको ये बताएंगे कि वो ड्राइवर है कौन, आखिरकार कौन है एम्बुलेंस ड्राइवर। मंगलोर के हॉस्पिटल में रहने वाला एम्बुलेंस ड्राइवर हनीफ, जो एक मिडिल क्लास फैमिली से है। हनीफ का जन्म मंगलोर में हुआ था। हनीफ 12वीं तक पढ़े हुए हैं। हनीफ मुस्लिम परिवार से हैं और हनीफ ने एक छोटी सी जान को बड़ी ही वीरतापूर्वक बचाया। एक बहादुर युवक हॉस्पिटल में ऐसे ही एम्बुलेंस ड्राइवरों की ज़रूरत है। एम्बुलेंस ड्राइवर मोहम्मद हनीफ, जो DK के बैल थांगड़ी में बालजा में रहता है। हनीफ ने शुक्रवार को दोपहर 12 बजे वेलेंटर पर रखे एक निजी एम्बुलेंस में सवार हुआ। 4:20 वो वहाँ पर जयदेव हॉस्पिटल में पहुँच चुका था। बेंगलुरु का ये एम्बुलेंस ड्राइवर सुनिए ट्रैफिक के जरिए 4 घंटे में बीमार लड़के को मंगलोर से बेंगलुरु पहुंचाया। 40 दिन का बच्चा, जिनका नाम है सैफुल अमजन, टोटल एनोमल्स वेरी कनेक्शन, वो पीड़ित था बच्चा, जिसको बचाने के लिए एक बहादुर एम्बुलेंस ड्राइवर, जिन्हें अनेक यातायात बाधाओं के खिलाफ लड़ते हुए 4 किलोमीटर का रास्ता 4 घंटे में पार किया। आखिर कौन है ये बच्चा जिसे बचाना इतना ज़रूरी था? सैफुल इंजमिन नाम का बच्चा, जो एक मुस्लिम है, इस बच्चे में टोटल एनोमल्स पतलोमरी वेनस कनेक्शन, जन्मजात हृदय दोष का पता चला है। कोई इलाज न होने पर मंगलुरु के डॉक्टर ने बच्चे माता पिता के विशेष उपचार के लिए बेंगलुरु के जयदेव हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र किया था। तो आज को आपकी कहानी कैसे लगी, क्योंकि वो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हॉस्पिटल पहुंचने पर हनीफ को वीरतापूर्वक उसके सम्मानित किया गया और यह भी बताया गया कि एक बार सोशल मीडिया पर एक शून्य यातायात मार्ग की आवश्यकता अनुसार खबरें सामने के बाद में पूरे ये खबर जो है पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। आपको कैसी लगी खबर, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ।